हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 8 में पेज नंबर 93, उसमें लेट्स टॉक। उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डिड द मॉस्किटो से आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। मॉस्किटो ने ऐसा क्यों कहा टाइगर को, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, अफ्रेड डरना है ना, मुझे तुमसे डर नहीं लगता है। ऐसा मच्छर ने टाइगर को, बाघ को क्यों कहा? हमने देखा था ना कि मॉस्किटो को क्या किया टाइगर ने, डराया था, धमकाया था कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, ऐसा गुस्से में कहा था और बहुत बुरी तरह से मच्छर से बात कर रहा था टाइगर, है ना। तो मच्छर तो जानता था, मॉस्किटो जानता था ना कि वो उड़ सकता है। तो अगर बाघ है टाइगर, उसको मारने की कोशिश करेगा गुस्से में, तो वो उड़ सकता है, तो वो उड़ जाएगा। इसीलिए मॉस्किटो ने ऐसा कहा कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। लेट्स टॉक क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द मॉस्किटो से आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। मॉस्किटो ने ऐसा क्यों कहा बाघ को कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ? तो आंसर है, द मॉस्किटो सेड, यहाँ से पहले लाइन लिखी हुई है, द मॉस्किटो सेड की जगह डीड है इसलिए सेड, द मॉस्किटो सेड, मॉस्किटो ने कहा था आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, बिकॉज, क्योंकि द टाइगर टॉक्ड विथ मॉस्किटो इन वेरी बैड मैनर। टाइगर ने मॉस्किटो से बहुत बुरी तरह से बात की थी, डरा रहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, है ना, मुझे सोने दो, ऐसा करके वो मॉस्किटो को डरा रहा था। ऑल्सो द मॉस्किटो न्यू दैट, और मॉस्किटो जानता था, न्यू जानता था, क्या जानता था, ही वुड बी एबल टू फ्लाई अवे इफ द टाइगर ट्राई टू हिट हिम। और मॉस्किटो जानता था कि अगर टाइगर ट्राई टू हिट हिम, मारने की कोशिश करेगा, हिम हिम यानी किसको, मॉस्किटो को, अगर मॉस्किटो को मारने की कोशिश करेगा टाइगर, तो मॉस्किटो क्या करेगा, ही वुड बी एबल टू फ्लाई अवे, और वो उड़ सकता था। मॉस्किटो जानता था कि अगर टाइगर उसको मारने की कोशिश करेगा तो वो उड़ सकता है ना, तो उड़ जाएगा, तो इसलिए टाइगर उसको मारेगा तो उसको चोट नहीं लगेगी, उसको मार नहीं पाएगा, इसलिए मॉस्किटो ने ऐसा कहा कि मैं तुमसे नहीं डरता। आगे देखते हैं, से अलाउ, ज़ोर से बोलो, ये वर्ड्स दिए हैं जो हमें रीड करने हैं, ज़ोर से बोले, बी ए एन के बैंक, बी आई एन बीन, बी आई एस सी यू आई टी बिस्किट, बी यू एन बन, जी डबल ओ एल सी गूस, जी ओ डब्ल्यू एन गाउन, जी आर ई वाई ग्रे, जी यू एन गन, एफ ए एन फैन, एफ ई डब्ल्यू फ्यू, एफ आई ई एल डी फील्ड, एफ आई एस एच फिश, L A M P lamp, L I C K leak, L I P leap, L double O S E loose, फिर से एक बार रीड कर लेते हैं, B A N K bank, B I N bean, B I S C U I T biscuit, B U N bun, G double O S E goose, G O W N gown, G R E Y grey, G U N gun, F A N fan, F E W few, F I E L D field, F I S H fish, L A M P lamp, L I C K leak, L I P leap, L double O S E lose। इसी तरह आपको भी अपने घर पे बुक लेके ये वर्ड्स रीड करने हैं। आगे देखते हैं, लेट्स शेयर, यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हैं, उसके बारे में हमें बात करनी है और एक दूसरे से शेयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, हम
हमने इस स्टोरी से क्या सीखा? टाइगर और मॉस्किटो की स्टोरी है ना, उसमें से हमें से क्या सीख मिलती है? देखो, टाइगर है ना, टाइगर बहुत बड़ा है और मॉस्किटो छोटा है। तो स्टोरी में क्या हुआ था, टाइगर मारने की कोशिश कर रहा था मच्छर को, तो उसके गाल पे खुद पे ही लग जाती थी, है ना। तो मॉस्किटो ने उसे चिढ़ाया था और कहा था कि डोंट बी सो प्राउड माई फ्रेंड, एवरी वन इज ग्रेट इन हीज ओन वे, है ना। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमारी ताकत के ऊपर प्राउड करना नहीं चाहिए, है ना। हमारे खुद के ऊपर हमें कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, है ना। हर कोई के पास अपनी अपनी ताकत होती है और अपनी अपनी कमजोरी होती है। देखो, टाइगर एकदम ताकतवर है, फिर भी वो मच्छर को मार पाया? नहीं मार पाया। क्यों? क्योंकि मच्छर की ताकत ये थी कि वो उड़ सकता था, है ना। जैसे ही टाइगर मारने के लिए जाता था, मच्छर उड़ जाता था। तो इसी वजह से हमें अपनी काबिलियत पर या फिर हमारे खुद के ऊपर गर्व करना नहीं चाहिए, है ना। सबकी अपनी अपनी ताकत भी होती है, पावर होता है, और सबकी अपनी वीकनेसेस होती है। ये हम नोट में भी देख लेते हैं। लेट्स शेयर क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, हमने इस स्टोरी से क्या सीखा? आंसर है, वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दैट, हमने स्टोरी से ये सीखा कि वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स, हमें खुद के ऊपर प्राउड अभिमान गर्व नहीं करना चाहिए। एवरी वन हैज़ हिज और हर ओन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी ताकत। एवरी वन, हर एक के पास खुद की, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, है ना। एवरी वन हैज़ हिज और हर ओन स्ट्रेंथ, सबके पास अपनी अपनी खुद की ताकत होती है, है ना, और खुद के वीक पॉइंट भी होते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लायन एंड द टाइगर, है ना। टाइगर और लायन को हमें डिस्क्राइब करना है, यहाँ पे पिक्चर दिया है कि वो उसमें साम्यता क्या है और उसमें डिफरेंस भी क्या है वो बताना है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से अलग क्यों है, डिफरेंट यानी अलग क्यों है वो हमें बताना है। तो देखो, टाइगर और लायन, है ना, ये टाइगर और लायन दोनों कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं, है ना। लेपर्ड है, जैगुआर है, कैट है, ये सारी कैट फैमिली के एनिमल्स कहे जाते हैं। और दोनों ही, टाइगर और लायन, दोनों कौन से है, वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है, है ना। और वो दोनों के लिए सेम है। और आगे अलग क्या है, तो देखो टाइगर और लायन को देखो, टाइगर के ऊपर क्या है, ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं, है ना, ब्लैक कलर के पट्टे होते हैं, स्ट्रिप्स होते हैं। और लायन के पास क्या होता है, यहाँ पे देखो फर है, गोल्डन ब्राउन कलर के फर लायन को होते हैं, इस तरह से वो दोनों अलग पड़ते हैं, है ना, ये चीज़ में डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर टू, डिस्क्राइब द लायन एंड द टाइगर, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से वो अलग कैसे है। आंसर है, द लायन एंड द टाइगर बिलोंग टू द कैट फैमिली, लायन और टाइगर दोनों कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं। दे बोथ आर वाइल्ड एनिमल्स, दोनों ही, टाइगर और लायन दोनों ही वाइल्ड एनिमल है, वाइल्ड यानी जंगली जानवर है, जंगल में रहते हैं, है ना, जंगली जानवर है। द टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, टाइगर के ऊपर ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स होते हैं। वाइल, जब द लायन हैज़ गोल्डन ब्राउन फर, और जबकि लायन को क्या होता है, टाइगर को ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं उसकी बॉडी पर, जबकि लायन को क्या होता है, गोल्डन कलर के, ब्राउन कलर के फर होते हैं, है ना। देखो यहाँ पे इस पिक्चर में ये फर जो है गोल्डन ब्राउन कलर के दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से वो दोनों डिफरेंट होते हैं,
वाइल्ड एनिमल है, कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं दोनों ही, पर अलग क्या है कि टाइगर के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स है और जब लायन को क्या है गोल्डन ब्राउन कलर के फर है। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया हो। थैंक यू।